रायपुर में मछपुरैना के पास होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बघेलखंड राजपूत क्षत्रिय समाज ने होली मिलन का आयोजन किया और आयोजन में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे। समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी और इसके साथ ही फाग गीत का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज कल्याण के लिए अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर से आए क्षत्रिय समाज के भाई बंधुओं को इकट्ठा करना है और एक दूसरे से मिलकर संगठन बनाकर स्वयं के और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देना है। झारखंड के राजपूत भाइयों ने काफी इसमें योगदान दिया एवं होली मिलन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए मैं अपने स्वजाति बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का आभार प्रकट करता हूँ एवं प्रयास इसका ये रहेगा कि भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम होता रहे। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह था कि छत्तीसगढ़ में जो दूर दूर से हमारे बघेलखंड समाज के भाई यहाँ निवासरत हैं, उनका आपस में मेल मिलाप हो। शहरी जिंदगी के कारण लोग आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप हो नहीं पाता, तो इस कार्यक्रम का आयोजन का मूल उद्देश्य यही था और शायद अपने मूल उद्देश्य में यह कार्यक्रम सफल रहा। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। मैं इंदिरा सिंह, बघेलखंड परिवार का एक सदस्य, और हम लोग यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, कुछ यूपी बॉर्डर से, कुछ रीवा सतना क्षेत्र से, और हम लोग यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे से मिल करके एक संगठन बना करके स्वयं के विकास और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठे हुए और होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए। आप सभी को होली की बधाई। मैं प्रदीप सिंह बघेल, ये समाज से पिछले एक साल से जुड़ा हुआ हूँ और सिर्फ प्रयास यही है कि हम अपने समाज के परिवार के लोगों को आपस में मेलजोल बढ़ाएं, आपस में संबंध बने और यहाँ पर बाहर से, मातृभूमि जन्मभूमि से बाहर रहकर भी एक साथ रह के एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी संस्था, किसी भी देश के तरक्की में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज संगठित रहेगा, समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। होली मिलन सभा इसी सभा में एक कड़ी है जो हम लोग सब लोगों का एक प्रयास है सबका तरक्की, बरकत और खुशहाली के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबर लगातार जारी है।